मेरे को तो बेहिसाब मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी नहीं दिख रही है मेरे आंखों में। ये बनवाए हैं चंद्रशेखर जी ने, जो हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इब्राहिम पट्टी के रहने वाले थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टॉर्म ब्लॉग्स। मेरा बैकग्राउंड देख के समझ जाओ कि मैं मुंबई में नहीं, अभी मैं गांव में हूँ और मेरा थोड़ा काम था, तो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, उसके लिए मैं आया हूँ गांव। तो अभी तो फिलहाल रहेंगे इधर ही, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक रहेंगे, और जैसे ही हो जाएगा तो फिर आप वापस चले जाएंगे। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, और कुछ पता नहीं था, अचानक से आना हुआ यहाँ पे। तो बाकी चीजें अभी अच्छी अच्छी हम दिखाएंगे आपको यहाँ की, और मजे करेंगे। अभी तो फिलहाल कहीं पे बाल कटवा के आना था, बट टाइम नहीं मिला, तो अभी यहाँ पे ही बाल कटवा लेते, बाल दाढ़ी वगैरह सब लेते, बाल बड़े हो गए हैं तो छोटे करवा लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग मेहरौना जाने वाले हैं, जहाँ लास्ट टाइम हम लोग ने वो नदी दिखाई थी वहाँ पे, खाला के इधर जाएंगे। तो आगे की चीजें आगे दिखाएंगे, पहले जाके हम लोग आ जाते हैं बाल कटवा के। चलो फिर चलते हैं। पहले बताओ सबसे अच्छी दुकान कौन सी है जहाँ पे बाल अच्छा काट, कहाँ पे? पक्का मरियाल बना बराइम पट्टी। अगर गंजा हो गया या कहीं से भी ऊपर नीचे कम आधा ज्यादा हुआ फिर गए, याद रखना दोनों को गंजा करवाऊंगा वहीं पे, ठीक है? चाबी रख, ईमानदारी से चाबी रख, चाबी रख, चाबी ले, चाबी क्यों निकाला रे बिना पूछे, क्यों निकाला, क्या बोलते रहो, क्यों निकाला चाबी, निकालना ना, निकाल बे, इतना स्मार्ट लग रहा है तू छपरी। चलो फिर चलते हैं और आगे अपना बाल बाल कटवाते हैं, और वहाँ पे ना समोसा खाएंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सिद्दीक। कहाँ जा रहे हो? घूम रहे हो, चलो कोई नहीं। अरे घबरा क्यों रहे हो? अभी तक चेहरे पे एकदम अच्छी मुस्कान थी और अभी देखो वो घबरा गए एकदम। अरे डरने का क्या, टेंशन मत लो, सब अच्छी चीज डालेंगे। चलो फिर चलते हैं और फिर बाकी आगे की चीजें आगे दिखाते हैं। अभी मरियादपुर मार्केट में जा रहे हैं हम लोग यहाँ, चलो चलो। अरे आया, तुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम पट्टी। अभी तो बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे। लाइसेंस है भाई? हाँ बोला, लाइसेंस है। सो गाइस, हम लोगों ने एक झूठ बोला आयान से कि हम लोग जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, बट बाल कटवाना है हमको पर अभी नहीं, पहले हम लोग जा रहे हैं अभी एक गार्डन में, इब्राहिम पट्टी गार्डन में। वहाँ पे मस्त मस्त चीजें हैं, मतलब अच्छी चीज गार्डन है देखने के लिए यहाँ पे, अभी जल्दी बनाए तो वो गार्डन में हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। और अभी जो मौसम है बहुत कूल है, दो दिन पहले जब आया मैं तब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गर्मी थी, और अभी तो एकदम मौसम एकदम कूल है, क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह मेरे आने का ना अच्छा असर पड़ गया है। अरे ऊपर वाला जानता है मैं किस में रहता हूँ, किस चीज में, अल्लाह मेहरबान तो मेरे से भी बड़ा गधा पहलवान, समझे? और अभी ना हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे दिखाएंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय समोसे वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा, और बाकी चीजें आगे हम लोग दिखाएंगे अपने वीडियो में। यहाँ पे ना सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, 4:30 बजे तो उजाला हो जाता है यहाँ पे, और 5 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं, और यहाँ पे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती उठने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है मुर्गे चिड़िया वगैरह है ना, उनकी आवाज सुन के आदमी खुद उठ जाता है, भले ही कितना ही रात को लेट सो सुबह आँख खोली जाती है। मुंबई में क्या है कि हम लोग 11-12 बजे तक सोते थे, यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे ना 8 बजे नींद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रात छोटी होती है दिन लंबा होता है, तो उस हिसाब से काम किया जाता है यहाँ पे। मजा भी आ रहा है मेरे को, तो बेहिसाब मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता आप लोग को, मैं इतना खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी नहीं दिख रही है मेरे आंखों में। यही गाड़ी कहीं पार्क लगा दो यही। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी पेट्रोल पंप के इधर पहुंच गए, पेट्रोल पंप मतलब उसके सामने जो गार्डन है वो वहीं पे है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन के अंदर, फाइनली पहुंच गए। इतना मस्ती करते हुए रोड पे, कुछ कुछ चीजें जो हमने नहीं दिखाया और जो नहीं दिखाएंगे हम लोग, पर मजा बहुत आ रहा है, बुलाया गया। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं, आप लोग को यहाँ से नजारा दिखाता हूँ, बहुत अच्छा खूबसूरत एकदम, पानी वगैरह एकदम साफ है, और यहाँ पे मंदिर है। इसका एंट्रेंस बहुत अच्छा बना है यार, ये जो बना है ना बहुत अच्छा है। मेरे साथ ना कॉमेडी हो गई है, क्योंकि मुझे कल से बोल रहे लोग कि आदनान भाई चलो वहाँ पे ना मगरमच्छ मछली और ये क्या बोलते हैं कछुए हैं, तो यहाँ पे कछुआ और मगरमच्छ आपको दिखा दो, जिस मगरमच्छ की बात कर रहे थे लोग, ये देखो
ये सीमेंट का बना हुआ आर्टिफिशियल कछुआ मगरमच्छ, इसमें ये मच्छी उच्छी नहीं है क्या? हाँ कहाँ पे इसमें होंगे? हो देख माजा का। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे व्यूवर्स से कि जो भी अच्छी चीज़ें अच्छी है गार्डन वगैरह या किसी भी ऐसे प्लेसेस पे जाओ आप लोग, तो वहाँ पे गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हर चीज़ खूबसूरत है और बहुत अच्छी जगह है। बट ये जो कचरा करते हैं बाहर से जब आते हैं लोग, तो वहाँ पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। और मेन चीज़ है कि अपनी जगह हो ना, उसको कभी गंदा नहीं करने और कहीं पे भी कचरा नहीं, बाहर कचरे में आप दूर ले जाके जेब में रखो कचरा और फेंक दो जहाँ पे डस्टबिन है उसमें। अच्छी जगह गंदे करोगे तो फिर कैसे चलेगा यार? बाकी दूर दूर तक देखो अच्छे से एकदम। चलो ना, ये यहाँ से बाहर से बाहर जाने का रास्ता है क्या? यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी मंदिर है। कहाँ पे फोटो की थी? अच्छा यहाँ पे लेते हैं फोटो। चलो अभी इनके साथ फोटो सेशन करेंगे। ये पानी बदलता नहीं है क्या? ये बदल, बहुत गहरा है ये। क्या ये गहरा है? अगर खुदा ना खास्ते वो टूट जाए और गिर जाए अंदर तब? हाँ तैरने आता है? हाँ तैरने आता है। कहाँ पे सीखा है? कौन सी गाँव में? अपनी सामने वाली गाड़ी में? तो उसमें ये नहीं है क्या बोलते, ज्यादा गहरा नहीं है वो? पानी उतना नहीं भराता है, पानी सिर्फ इतना भराता है, जब बोलते हैं तो पूरा डुबा बनाता है। तो मतलब गहरी नदी है? हाँ। तो मुँह आएगा रे, मुझे वैसे ही तैरना नहीं आता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं गहरी नहीं है, वहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा। फिर बोलता है कि हम लोग से दुगना गहरी है बस, उससे ज्यादा नहीं। बस बोलता है भाई डूब के बचाओ। मैं कैसे मालूम है, मैं अपने मुंबई में जहाँ पे रहता हूँ ना, तो वहाँ पे हम लोग नडाल पे गए थे दोस्तों के साथ में, और मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, तो डैम के उस पे हम लोग गए और मैं कोना पकड़ के ना ऐसे तैरने का कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ था। मेरा दोस्त इतना अच्छा था कि मुझे बताया नहीं, उसको खुद को स्विमिंग नहीं आती और मेरे को स्विमिंग सिखा रहा था, और उसका हाथ छूट गया और मैं पैर मारते मारते सीधा बीच में जहाँ पे गहरा था, और सिर्फ इतना सा हाथ ऊपर था, मुंडी नीचे, सांस रोक के रखा पानी ना जाए, और हाथ ऐसे ऐसे मार रहा हूँ, समझ गए बाकी लोग कि ये डूब गया है। वो दूसरा बंदा कूदा मेरे को बचाने के लिए, मेरा दोस्त जिसको खुद को स्विमिंग नहीं आता, पर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दूसरा आया मेरे को, उसने पकड़ा निकाला बाहर, अब मैं तो बच गया भाई साहब, फिर वो खुद डूब गया, बचाया उसको भी निकाला पकड़ के। उसके बाद से कसम खाई कि कभी भाई साहब स्विमिंग पूल में जाके सीखेंगे पहले, उसके बाद कहीं जाएंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल में डूबेंगे ना तो उसमें मरेंगे नहीं, क्लोरोफॉर्म होता है जिससे कोई भी बॉडी डूबती नहीं है, और वहां पे नदी पे जाकर करेंगे ना भाई साहब डूबेंगे, पहुंचे वापस नहीं आएंगे। इससे अच्छा वही ठीक है, सीख लो उसके बाद करेंगे। देखो मच्छी खिला रहे हैं उधर से। भाई देख सकते हैं आप, कुदरत दुआना है यार, मछली है ये। आजा आजा आजा, अरे कितनी बड़ी बड़ी है ये। ओ इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर इधर इसको खा ले। अबे इधर आओ, इधर इधर देखो इधर। अरे अरे अरे, ये किस मछली है? पानी साफ रहेगा ना, चेंज होएगा तो मछलियां पूरी क्लियर दिखेंगी ऊपर। मछलियां जिंदा नहीं रहेंगी ना? हाँ मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? पानी साफ करेंगे किसको? हाँ मछली पानी साफ करती है, साफ करती है गंदगी जो रहता है ना पानी में, पूरा मछलियाँ खा जाती है। कोई भी पानी को साफ करने गए ना, मछली डाल दो उसमें, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। बस ये है कि पानी बहता हुआ रहना चाहिए, नहीं तो पानी सड़ जाता है। तो ये जो पार्क है और ये जो गार्डन है, वहाँ पे मंदिर है, तो ये बनवाया है चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर सिंह, जो हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इब्राहिम पट्टी के रहने वाले थे, उन्होंने बनवाया ये। और यहाँ पे अगर चंद्रशेखर जी का बोलेंगे तो उन्होंने काम बहुत किया है, अगर होते तो आज यहाँ जो जगह है ये और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि वो एक विजन वाले आदमी और उनका काम बहुत अच्छा था, और कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि जो काम करने वाले आदमी होते हैं वो अपने काम पे ध्यान। और ये तो बहुत अच्छी और गर्व की बात होती है कि यहाँ से 8वें प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी थे वो थे, और प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती है, मालूम नहीं होता है। अब मैंने ही इन लोग से बाकी लोगों से पूछा यहाँ, तो वो बोलते थे नेता थे, बोला रहे नेता नहीं थे भाई, प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, वो गर्व की बात है और उसका प्राउड हमेशा होना चाहिए। बाकी चीज़ अभी मजे करो, आगे चीज़ आगे दिखाएंगे। अभी फिर हम लोग बाल कटवाने के लिए जा रहे हैं, घूम लिया बहुत अच्छा है।